एक ओंकार सरना करता पुरख निर्भय Oh.
Bye.
Vaheguru, 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 लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन लाल I'm not afraid.
लाल रंगी
दर्शन का हम बारे तेरे दर्शन लाल रंगी
Bye.
Thank you.
नहीं पाइए, अंत न लहिए। मन तरसे चरनारे, मन तरसे चरनारे। प्रभु हाथ दे निस्तारे,
सुतारे प्रभ हाथ दे निस्तारे प्रभ हाथ दे निस्तारे प्रभ हाथ दे निस्तारे दर्शन हमारे
ਵਾਸਨਾ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸਲਾਹ ਚੁੜੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਾਲਨ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦ ਨਵ ਤਨ ਮਨ ਰੰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰਿਆ ਬਚਨ ਤੁਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤਿ ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਹੂੰ ਮਦ ਨਿਰਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨਾ ਕਟ ਸੋਹਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕੀ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜਿਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮੈਂ ਜਿਉ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਤਨ ਮੇਰਾ ਠਾਰ ਥੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਹਮ ਬਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਸੋਵੇ ਨਾ ਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਹ
धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पितर प्रकाश पुरब दियां समूह संगतां नूं लख लख वधाईयां होवन। आगरे दी संगत धन गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणां च पहुंची ते बेनती कीती, साहिब जी असीं गृहस्थी हाँ बच्चों वाले, जोगी मजाक उड़ाते हैं, तुसी विशियां विकारां विच खचत हो, वासनावां विच ग्रसे हो, तुहानू रब नहीं मिल सकता। तो धन गुरु अर्जन देव महाराज आगरे की संगत नूं कहन लगे, सारियां धर्मां नालों उत्तम धर्म गृहस्थ धर्म है। जिथे तुसीं गृहस्थ दियां जिम्मेवारियां निभाउणियां ने, बच्चियां की परवरिश करनी है, उत्थे चार गुण अपने अंदर धारण कर लेना, तुहाडा आया होया सफला हो जाएगा। वो चार गुण किहड़े? धन गुरु अर्जन देव महाराज ने दसे, पहला है करुणा दा। करुणा कहिंदे हन दया नूं, दया माँ है अते धर्म पुत्र है। जितनी देर सत्संगत दया का गुण नहीं होएगा, असी धर्मी नहीं हो सकते। तौल धर्म दया का पूत, ते दया नूं देवता कहा गुरबाणी अंदर। श्रोमणी गुण, दया देवता खिमा जप माली ते मानस प्रधान। जिस मनुख कोल दया अते खिमा दा गुण आ जाए, वह मनुखां चो श्रोमणी हो जाता है। जीवन की श्रेष्ठ करनी की है? सत संतोख दया कमावे इहा करनी सार। ते दया नूं तां 68 तीर्थां दा इशनान किया जाए, 68 तीर्थ सगल पुन। जी दया प्रवान, कोई जीवां ते दया करे, तरस करे, लोड़वंदा की मदद करे, गरीबा की बाँह फड़े, ये तो 68 तीर्थां दा इशनान दा फल जे। पहला गुण करुणा दा, कोई लोड़वंद आए तुहाडे हथ वधन मदद लई। ते दूसरा गुण धन गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, वह है मैत्री दा। सब को मीत हमें आपन कीना, हम सबना के साजन। सारिआं विच इक परमात्मा दी जोत है, असी सारे गुर भाई हाँ। एक पिता एक सके हम बारक, तू मेरा गुर हाई। ते जिथे नफरत होएगी, ईरखा होएगी, खिमा करना, उत्थे रब प्रगट नहीं होएगा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोहे पाई। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बनियाई। उत्थे फिर रहमत होएगी, सारिआं विच्चों एक नज़र आउण लग जाए, ऐसी दृष्टि बन जाए। मैत्री का गुण अपने अंदर पैदा करो। ते तीसरा गुण धन गुरु अर्जन देव महाराज ने आगरे की संगत नूं कहा, वह है मुदता का गुण। आखो वाहेगुरु। मुदता का अर्थ हुंदा है प्रसन्न चित रहना, चढ़दी कला विच रहना, किसी नूं अगे वधे देख के कदे ईरखा नहीं करनी, खुश होना है, शुकराना करना है, इसनों होर रहमत करो, होर अगे जावे, कदे भुल के भी जलसी ना करो। यह है मुदता, प्रसन्न चित होना, इस ते होर कृपा होवे, होर अगे वधे। ते चौथा गुण धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, वह है उपेख्या का। आखो वाहेगुरु। पुछिया संगतां ने जी, उपेख्या का अर्थ की हुंदा है? ते खुलासा धन गुरु अर्जन देव महाराज ने खुद किया है, श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच बचन ने। उपेख्या दा अर्थ सतगुरु कहन लगे, किसी के अंदर औगुण है ना, उसकी थां थां ते चर्चा ना करो, गुरु की मत नाल यतन करो, उसका औगुण धोता जाए। कोई नशा कर रहा है, कोई पतत हो गया है, कोई विकारां दे विच ग्रसिया गया है, थां थां ते उसकी चर्चा ना करो, देख के अणडिठ करो, ते यतन करो, गुरु की सिख्या नाल उसका औगुण धोता जा सके, कृपा होएगी। जे चार गुण तुसी अपने अंदर धारण कर लो, बच्चियां विच रह के फर्ज निभांदे आं, तुसी सौखे पार हो जाओगे। गुरु कृपा करे, इन्हां बचनां नूं आपां हिरदे च वसा सकीए,
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਾਲ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।